नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन की श्रृंखला में आज मैं आपके साथ बिटकॉइन से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहा हूं। बिटकॉइन एक इन्वेस्टमेंट मोड रहा है जिसमें इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया, काफी लोगों ने पैसा बनाया भी और शायद काफी लोगों ने इसमें पैसा रिसेंट पास्ट में गवाया भी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पर्टिकुलरली आरबीआई ने, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि नाउ बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस आर नॉट लीगल। परहैप्स इंडिया एक अपनी खुद की फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर सकता है। परंतु बिफोर दिस पर्टिकुलर थिंग केम, पीपल हैव एंटर्ड इनटू दीज बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस एंड पीपल एट लार्ज हु हैव एंटर्ड इनटू दीज बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द टैक्सेशन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस। सो पहली बात सर, कि अगर मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बिटकॉइन खरीदा, मैंने बिटकॉइन बेचा, मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ, तो क्या ये प्रॉफिट टैक्सेबल है? और यदि ये लॉस हुआ है तो क्या ये लॉस एडजस्टेबल है? यदि सर बिटकॉइन में मेरे को इन्वेस्टमेंट करने से कोई प्रॉफिट होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने एक बिटकॉइन खरीदा 1,50,000 रुपीज़ का, फर्दर उसको बेच दिया 1,80,000 रुपीज़ का, तो एज्यूमिंग दैट बिटकॉइन इज अ प्रॉपर्टी विद इन सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस 30,000 रुपीज शुड बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स, जनरली शुड बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन इनकम। अगर मैं बार बार ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा था, ठीक है, खरीदा बेचा फ्रीक्वेंसी से मैंने ऐसे ट्रांजेक्शन किए, देन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड टू बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंड इफ इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन देन आई हैव टू रिपोर्ट माई बिटकॉइन ट्रांजेक्शन इनकम एज बिजनेस इनकम, तो मैं उसको बिजनेस इनकम में बताऊंगा। अब बिजनेस इनकम में जाते ही एक जो दूसरा खतरा होता है वो ध्यान रखने का है कि यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया, अब क्योंकि वहां पर सौदे जो भी सेटल हो रहे हैं वो डिलीवरी बेस्ड ही होंगे, पहले बिटकॉइन खरीदा फिर बेचा खरीदा बेचा, तो टोटल मेरा बेचान कितनी वैल्यू का हुआ? यदि वो टोटल वैल्यू का बेचान 1 करोड़ से ऊपर निकल गया और ऐसे ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन माना गया, तो ऐसी परिस्थिति में सर मेरे को ऑडिट कराना भी आवश्यक था। कहने का मतलब यह है सर, आप बिटकॉइन को लीगल माने इलीगल माने, सरकार उन ट्रांजेक्शन को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन ट्रांजेक्शन को टैक्सेशन करने से नहीं बख्शेगी, उनको निश्चित रूप से टैक्स किया जाएगा। एंड इन पास्ट इट हैज बीन सीन दैट इन वेरियस नंबर ऑफ केसेस द डिपार्टमेंट, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हैज इशूड नोटिसेस टू द असेसीज आस्किंग देम व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू बिटकॉइन। दैट इज अ बिग क्वेरी। लेट्स अज्यूम आई केप्ट ऑन डिपॉजिटिंग कैश इन माई अकाउंट और बोरोइंग हेयर एंड देयर एंड जस्ट पुटिंग दैट मनी इन टू बिटकॉइन in an anticipation that Bitcoin will increase. So department tomorrow can ask me, it has happened that they have asked number of investors that what was the source of your Bitcoin investment, and you have to satisfy them that this source was legitimate source, was from legitimate nature of transactions, and if you could not do so then in that case wo aapka unexplained investment maan liya jayega. तो सर आपको इसके प्रति भी सतर्क रहना है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस थे जिनसे आपने बिटकॉइन में पैसा लगाया वो नॉन सोर्सेस थे। यदि आप उन नॉन सोर्सेस को प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो आपने बिटकॉइन में किया वो भी टैक्सेबल होने की संभावना है, तो इसके प्रति सतर्क रहते हुए चलना है। तो बिटकॉइन में सर हमारे दो एस्पेक्ट आते हैं, एक कैपिटल गेन का एस्पेक्ट या बिजनेस इनकम का एस्पेक्ट, और दूसरा बिटकॉइन में मैं पैसे कहां से लेकर के आया उसका सोर्स का एस्पेक्ट। इन दो पक्ष पर सर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ सकता है, और ऐसी रिपोर्टिंग यदि आप स्वयं कर देंगे कि साहब मैंने बिटकॉइन में ये प्रॉफिट कमाया है, लॉस मेरे को हुआ, तो सर आपको पेनल्टी लगने की संभावना नहीं है। यदि आप स्वयं नहीं रिपोर्ट करते अपनी रिटर्न में और लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड आउट करता है दैट देयर वॉज इनकम, तो वो आपको कंसीलमेंट की पेनल्टी, या इसी को अब नए फॉर्मेट में अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी भी कहते हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली लगा सकता है। तो सर बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस पर जो बातें मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि मैं आपकी नॉलेज में लेकर के आऊँ, मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। यदि कोई और आपकी क्वेरी होगी तो मैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।